क्या बोलते हैं तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सचिन और मेरे साथ है शाहरुख भाई और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पुनेकर गरुड़। झंडा किधर का है? इधर का नहीं, अभी इतना खर्च करके मतलब पब्लिक का पैसा यूटिलाइज करके ये लोग बांधते हैं, तो क्या मतलब है कितना मजबूत खंभा रहेगा? वो टोटल वेस्ट। तो अभी इसका यूज क्या करेंगे ये लोग? हेलीकॉप्टर पकड़ने के लिए कौवे लोग को बैठने के लिए है ना? कितना आई थे यार, वो शायद हेलीकॉप्टर का रेंज में आ रहा है ऊपर। तो ये छोड़ दिया पिंपरी चिंचवड़। अभी ये तकलीफ नहीं देने चाहिए अपने को। उसके ऊपर पार्क करके गए तो कितना पेट्रोल बचेगा? एक लिफ्ट दे दे, सो के जा सकते हैं आराम से इसके ऊपर से। लोनावला आ गया ना, गाड़ी का भूखा हो गया देख। सब चिक्की चिक्की चिक्की। अब कहाँ पे रुका हूँ? लेफ्ट में कोई इसके बाद मगनलाल नहीं दिख रहा है। इधर से ही लेते हैं A1 से। अरे पता नहीं क्या है, आई होप कि रहेगा मगनलाल का इसके पास। इकड़े इकड़े क्या ग्राउंड नट ही लेते, एक टेस्ट करके देख तेरे को अच्छा लगा तो। कोकोनट क्या? ठीक है, नाश्ता करने दो, दो तीन अभी क्या? ठीक है। बैठने के लिए उसने कैसे जुगाड़ किया है? आ जाएगा वो झपट लेगा। अरे मारामारी कर रहे हो, माफ कर सो। अरे आगे चल चल, नहीं नहीं नहीं, वो इसके चक्कर में ही है, मार करने के चक्कर में ही है। हाँ ये मत इसके सामने मत लगे, उसको लग रहा है लकड़ी दे।
घंटे के आसपास लगेगा, फिर पनवेल से चेंबूर 1.5 घंटा लग जाएगा। चलो बाइक पे जाना है यार, हम तो टायर हो गए। दर 16 नंबर किधर आया? 16 नंबर नहीं नंबर 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 अभी इज्जत में है ना, गूगल मैप में 16 नंबर सर्च करते देख, न्यू सहारा दिक्कत। ठीक है, थैंक यू यार। तेरे को भटका मारना चाहिए, क्या घुमा लू? एकदम सादा सादा एड्रेस, माहुल गांव महाड़ा बिल्डिंग। अरे तेरे लिए सादा है। रुक, तेरे को अब मैं व्हाट्सएप लोकेशन सीखा था कैसे सेंड करने का। कहाँ का दुनिया घूम के आए, नहीं तो 6 बजे आते थे हम लोग। हाय गाइस, तो अभी हम पहुंच गए हैं किधर? हम पहुंच गए हैं माहुल गांव माड़ा माड़ा स्कीम और क्या नंबर 16 माड़ा स्कीम बिल्डिंग नंबर 16 शॉप नंबर 13 तो बिल्डिंग नंबर 13 ये एड्रेस कम और पासवर्ड ज्यादा लग रहा है। तो हमारा दोस्त है शैलेंद्र, हाय, ओनर ऑफ दिस शॉप। हमें अभी यहाँ पहुँच के ओवरऑल टाइम हो गया तकरीबन 1 घंटा। वैसे तो मुंबई पुणे डिस्टेंस है अराउंड 150 किलोमीटर समथिंग, बट इतना तकलीफ नहीं हुआ हमें आ जाने में। और शॉप इन्होंने बिल्कुल मंदिर की तरह रखा है, अभी बस लिखा पढ़ी आ रहा है, अच्छा बिजनेस जम रहा है, और क्या चाहिए, बस एक अच्छा सा दुल्हन ढूंढने का। शर्मा के भाग गया, दुल्हन का नाम लिया। इसी चैनल पे कमेंट कर सकते हो और नीचे कमेंट की बायोडाटा इसके ऊपर सेंड कर सकते हो। अगर आपके पास इसके लिए एकदम एग्जैक्ट मैच हो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। देखो शर्मा है हमारे शैलेंद्र भाई। तो हमारे गुरु जी शैलेंद्र जी बहुत कुछ सीखने मिला आज। कैसे
कैसे करते हैं छाछट, बहुत अजीब तरीके की प्रैक्टिस है इनकी एज अ फार्मासिस्ट। छुट्टे अच्छा तुम, अरे बर्फ कितना छुट्टा है लोगों को छुट्टे देखने को नहीं मिलते। सबसे बड़ा गरीब हो अगर इसको काउंट करना है ना तो एज ए नंबर यूनिट काउंट नहीं कर सकते, इसको एज ए वेट किलो में काउंट करना पड़ेगा और वो भी मेरे ख्याल से 10 किलो के आसपास रह गए। उठा के देख शाहरुख, भाई तो मुंबई का सबसे बड़ा गरीब हो। अब लेके जाते जाएंगे ये कहाँ से अरेंज करता है सब इधर है जो दो सर दो से नींबू वाला बाकी डेली सेटिंग सब दो के एक के ये पांच के कुछ दिखे नहीं रहे दूसरा पोटला और साले इसका भी कितना वजन है बस यार 5 रुपए का कॉइन है कम से कम 2 किलो वजन रहेगा इसका। So guys, it's 11:30 in the night. So tired. शैलेंद्र भाई के साथ बात भी नहीं कर पाए, रात को बात करेंगे हम लोग। तो आज के लिए बस इतना ही, शॉप क्लोज करने का टाइम हो गया, मिलते हैं कल को आप। ये बोर्ड घर पे बना है बोल रहा है? अरे मतलब ये शर्ट तो ये पहले से है। हाँ ये फ्लेक्स ट्रेन करके लिया और हाँ। पेस्टिंग उसने किया। फ्लेक्स ये वन पीस नहीं है इतना बड़ा। हाँ ये देखना, वन पीस नहीं इतना बड़ा, तीन टुकड़े इसमें। हाँ समझ ही नहीं रहा। तो सर वन पीस में बनाएगा ना तो 1000-1500 खर्च जाता, 300 रुपये में टुकड़े में बनाएगा। अबे गिराएगा क्या उसको? Day 2 मैंने आज तक मोनोरेल देखा नहीं था कभी। चलो शैला के बहाने मोनोरेल देखा और वो शायद वहाँ पे मैसूर कॉलोनी स्टेशन पे लैंड कर रही है। सेंटर एरिया है फिर भी यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, ये तो बहुत कमाल की बात हो गई है। ओवरऑल फर्नीचर का जानकारी चाहिए था तो आप बता सकते हैं कि ये फर्नीचर आपने कहाँ से लिया इतना? ये तो फर्नीचर सारा लकड़ी का फर्नीचर है या? पूरा लकड़ी का, वो भी अच्छी लकड़ी का क्वालिटी। नया फर्नीचर मैंने बनाया क्यों नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ऑल ओवर बोलो तो 4 लाख का बजट था इसमें। ओके ओके, 4 लाख का बजट था तो मेरे उतना कैपेसिटी नहीं था क्योंकि मेरे को ऑलरेडी मैं शॉप खरीद परचेज भी किया हूँ, प्लस फर्नीचर डालना है उसमें, माल भी भरना है, माल भी इतना भरना है कि खाली दुकान आ रहा है। मैंने सोचा कि अभी कॉन्ट्रेक्टर को पूछा फर्नीचर वाले को, भाई ऐसे ऐसा बात है मेरा बजट कम है उसमें होगा, बोले चलेगा सेकंड हैंड में काम हो जाएगा आपका, लेकिन सेकंड हैंड में काम हो जाएगा लेकिन मालूम नहीं पड़ेगा सेकंड हैंड, कोई बोल ही नहीं सकते सेकंड हैंड। हाँ वही तो, अभी आपने बताया इसे समझ में आ रहा है कि ये सेकंड हैंड फर्नीचर है, लेकिन ओवरऑल इसका कॉस्मेटिकली कितना टफ दिख रहा है चीज। यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इन्होंने नीचे खाचा दिया है, मतलब बिना हैंडल के भी काम एकदम अच्छे से हो रहा है। मतलब स्टॉपर का पैसा बच गया इसमें आपका, राउंड भी हैंडल का पैसा बच गया। अभी एक हैंडल 10 रुपए का भी खरीदेंगे तो इसमें जैसे एक चैनल का 500 रुपए लगेगा अपने, बट 80 ड्रॉ है, 80 ड्रॉ का हिसाब देख लो, 8000 कितना होगा 80 ड्रॉ, 40,000 का सिर्फ चैनल का पैसा बचेगा। और अभी इसमें और चैनल का जरूरत भी नहीं लग रहा, चैनल का जरूरत भी सिर्फ लकड़ी का होने के बावजूद कितना एकदम सॉफ्टली निकल रहा है। नहीं वो भी कैसा चैनल रहेगा उसमें चढ़ भी नहीं सकते, चढ़ भी गया तो सीधा चैनल पट टूट जाएगा। ये एक छोटा सा डेमो है यार, भाई साहब ड्रावर पे खड़े रहे के यहाँ वहाँ चढ़ रहे, आप स्टेप भी बना सकते हैं जैसा कि चढ़ने के लिए चढ़ना है, इसको चढ़ना डायरेक्ट इसको चढ़ के डायरेक्ट स्टेप बना सकते हैं।
चोर चैनल वाले ड्रावर्स होंगे, उस पर आप ऐसे खड़े रह पाएंगे? नीचे से देख लो, एकदम नॉर्मल एक छोटा सा राउंड गैप है। ओके ओके ओके, तो पकड़ने के लिए खाच बना दिया है, हैंडल हैंडल की तरह काम कर रहा है ये। हैवी लोडेड एकदम। फर्नीचर सेकंड हैंड में बेनिफिट क्या वाला मिला? ऑलरेडी कितना साल का धूप, कितना साल का गर्मी झेला हुआ है, नया रहेगा ना ये तो फूक जाता कभी कभी प्लाई, उसके लिए सेकंड हैंड जैसे ऑलरेडी सब झेल चुका है और यहाँ पे आने के बाद कुछ झेलने का नहीं है उसको। ये सब फर्नीचर जो आपने लिया है वो एग्जैक्टली लोकेशन कहाँ पे है? घाटकोपर में, असलपा मेन मार्केट है फर्नीचर का। वहाँ पे आप जाओ, इसे बोल देंगे मेडिकल बनाना है तो पूरा आपको कोई बताने की जरूरत नहीं, उल्टा वो आपको दिखा देगा बुक लेट के, भाई ऐसा बनाओ, ये मेडिकल मैंने बना, ये मेडिकल मैंने बना, सजेशंस भी देते हैं। अभी सब चैनल सिस्टम और नया फर्नीचर सब बनाना है तो कितना खर्चा आता है उसके लिए? नॉर्मल आपकी जगह मेरे सेकंड हैंड नहीं, नया नया कम से कम 4 लाख का, 3.5-4 लाख का पूरा। और सेकंड हैंड आपने बनाया है 2 लाख तक, 2 लाख पकड़ लो, ज्यादा से ज्यादा 2 लाख, 2 लाख में भी एकदम 50% कॉस्ट कटिंग हो रहा है। मेन क्या उसमें फर्नीचर लकड़ी कैसे बहुत महंगा मिलता है गाइस, अभी आप खुद ही देख के बताओ कि आपको जूना फर्नीचर लग रहा है या नहीं, कि यूज्ड फर्नीचर कहीं से भी लग रहा है या नहीं लग रहा है। अब आते हैं इस ग्लास के ऊपर, ये ग्लास कितना एमएम का है बाहर का? ये ग्लास है आपका बाहर का, ये 6 mm का है, 6 mm का ये। ओके, ये ग्लास 6 mm है, हाँ। ये ग्लास 8 mm। ओके, और उसका मजबूती मतलब आपने इतने सारे बॉटल्स रख दिए है बट फिर भी है। हाँ, तो 8 mm का ऑलरेडी कितना भी हैवी रहना है, 8 mm का टूटने का संबंध है, तो इसमें भी आपने अभी जैसे कि इसमें भी उन लोगों ने क्या करता है ना, छोटा छोटा वो लगाते हैं, क्या बोलते उसको, सेल बटन, वो भी मैं नहीं लगा, वो लगा रहा था सेल बटन, सेल बटन नहीं लगाए तो ये क्या है? ये एल्यूमिनियम का एल पट्टी है बस, हाँ, सिर्फ एल पट्टी पे, एल पट्टी पे, क्योंकि इससे क्या बेनिफिट है ना भैया, हाँ। वो क्या रहता है निकल गया तो सीधा पलटी होल में से निकल, इसमें निकलने का सिस्टम ही नहीं है। ओके ओके, और इसमें कितना भी लोड डालो कोई प्रॉब्लम। चलो अभी आपको थोड़ा सा मेडिकल का एक ओवरव्यू देते हैं बाहर से, जिधर जितना हो सकता है उतना पैसा बचाओ, कस्टमर को पूरा आइटम मिलनी चाहिए दुकान में, बस एक ही मेरा टारगेट है। और आप यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हैं कि बैठने के लिए जो भी सीनियर सिटीजन आते हैं तो अगर काफी रश रहे तो तभी यहाँ पर डेस्क पे बैठ जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात कर दी आपने। चलो अब आपको थोड़ा सा बाहर का माहौल दिखाता हूँ। ये पूरा महाड़ा स्कीम है, ये एरिया बोले तो ये समवेयर नियर चेंबूर है। तो आप देख सकते हैं कि ये ओवरऑल एरिया कैसा है और समझ सकते हैं कि बिजनेस अगर चलाना हो तो ऐसे ही एरिया की एक्चुअल में आपको ज़रूरत होती है, ऐसे एरिया में बिजनेस का रेट 100% कंसीडर करके चल सकते हैं हम लोग। अभी हम थोड़ा जा रहे हैं आउटिंग करने के लिए, कुछ शॉपिंग करनी है शाहरुख भाई को। A few inches later. गाइज अभी हम लोग जा रहे हैं समवेयर नियर मुसाफिर खाना के यहाँ, शाहरुख भाई को कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ सेंट वेंट परफ्यूम लेने, तो देखते हैं। बाय द वे बाइक्स हमने पार्क की है यहीं पर, इसी ब्रिज के एग्जैक्टली ऑपोजिट साइड में, वहाँ पे कॉमन पार्किंग है और ₹15 पर आवर पार्किंग के चार्जेस है, ठीक है, और अगर एक घंटे से ऊपर एक मिनट भी हो गया तो पार्किंग के चार्जेस हो जाएंगे सीधे ₹50 ट्रिपल। तो इसलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एटलीस्ट यहाँ का टास्क 1 hour में कंप्लीट कर देना है, सो लेट्स सी। तो गाइस जैसे कि आप देख रहे हैं हम पहुँच गए अभी मुसाफिर खाना मनीष मार्केट, तो मनीष मार्केट में जो हमें चाहिए था, हमें सेंट की दुकान चाहिए थी, वो यहाँ पे मिल नहीं रही है कहीं पे। तो हम देख रहे हैं वो यार बंद है, खुली है शाहरुख यार, हमें एक सेकंड के लिए कि ये शॉप बंद है, वो साइड से शटर बंद था इसलिए समझ में ही नहीं आया कि शॉप चालू है या बंद है।
बहुत सारी शॉपिंग। अभी हम जा रहे हैं पार्किंग की तरफ और वहाँ से बाइक निकाल के देखते हैं कहाँ का प्लान बनता है हमारा। बाप रे काफ़ी बहुत तेज धूप है, बहुत तेज। हेलमेट पहन के चलने का मन कर रहा है यार सही में। 2000 years later. तो घूमते घूमते अभी हम आ रहे हैं सीएसटी स्टेशन, आगे यहाँ से कुछ फोटो खींचते हैं, देखते हैं यार उसके अच्छे फुटेज मिल रहे हैं कि नहीं। कुछ नहीं ऐसे ही प्रोजेक्ट पढ़ाई कर रहे हैं हम लोग फिल्म इंस्टीट्यूट। मुसाफिर खाना यहाँ से ही ना मस्जिद बंदर से निकलने का आपके पीछे से बंदे रास्ता बंदे किधर जाना है हमको इज्जत वाला रास्ता बता प्लीज। तो चलो जैसा जुगाड़ वाला है। जाते आगे थोड़ा आगे रुकते है। कितने में कट गया? 100। साइड में क्या बोल के लिया तेरे को? हेलमेट हेलमेट हाथ में था क्या? अरे देवा ये एरिया को क्या बोलते हैं? बच गए। एरिया एरिया क्या है ये? नाम क्या है? डॉक मिलते आराम से। तो इस प्रकार शैलेंद्र भाई को कर दिया अलविदा। तो एक घंटे में खोपोली पहुँचे और थोड़े ही टाइम में पूना। बैटरीज का स्टेटस बहुत लो दिख रहा है, मेरे पावर बैंक भी खाली हो चुके हैं, इसलिए वीडियो मुझे यहीं पर एंड करना होगा। अगर आपके कुछ सजेशन से कुछ कमेंट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलिए। वीडियो थोड़ा अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर यूट्यूब पर जैसे चाहे वैसे शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द एक मस्त सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।